आज मेहदी अली काजमी अदालत गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने कोई दरख्वास्त वहाँ जमा करवा दी है। उस दरख्वास्त के अंदर क्या है और क्या जहीर अहमद बाहर जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान से? जहीर को अरेस्ट किए जाने के हवाले से इस वक्त वर्किंग जारी है, वो है। वर्किंग काफ़ी खुफिया हो रही है। पुलिस पार्टी है जी, मैं तो इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मतलब कि आप ये देखें कि इसको हम हट धर्मी कहेंगे पुलिस की, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहेंगे। जो रवैया इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपनाया हुआ है वो बेशर्मी है। अदालत जब किसी को तलब करती है तो उसको आना होता है। वो ये कह रहे हैं कि जी जहीर और दुआ फतह हो गई है, वो जीत गए। अब वो एक साहब फरमा रहे थे, उस गुफ्तगू में सुन रहा था कि मेरा ख्याल है कि मेडिकल बोर्ड ने एक नुक्ता गलत लिख दिया है, वो टाइपो एरर हो गया उनसे। रियली ये मैं सुन रहा था। सो वो यूट्यूबर्स ने इसके अलावा क्या मंजन बेचना है? कुछ तो बेच रहे हैं उन्होंने, लोग कहें वाह कोई नई चीज़ आ गई। मैंने सवाल करना नहीं था, मेरी मजबूरी है। लॉजिकल क्या लॉजिक निकालेंगे अब इसके अंदर? वो लॉजिक भी तो निकलना चाहिए ना कि यार समझ आए अकल के अंदर। वो कहते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है, बस वो सही है। वो कह रहे हैं मानते हैं उसने गलत किया है लेकिन उसने ठीक किया, ये मुझे गलत किया लेकिन उसने ठीक किया, ठीक किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं अली डार और मेरे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा डार। आप लोगों को मालूम है कि मेडिकल बोर्ड ने दुआ ज़हरा की उम्र के तायुन के हवाले से कल अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी, मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें यह सामने आया कि दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो तकरीबन 15 साल के आसपास है। आज चार चीज़ों पर आपसे बात करनी है, चारों बहुत ही अहम चीज़ें जिस पर लोग सवालात भी बहुत कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि मामला किस तरफ जा रहा है। इन चार चीज़ों में पहली हम बात ये करेंगे कि आज मेहदी अली काजमी ने दुआ के वाले साहब ने आज एक दरख्वास्त जमा करवाई कोर्ट के अंदर, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की उन्होंने बात की है, लेकिन मेनली उन्होंने ये बात की है कि जहीर अहमद यानी कि दुआ का मुबैना शोहर मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसकी तफसील हम जानेंगे क्या मामला होने जा रहा है। दूसरी हम ये बात करेंगे कि पुलिस इस तमाम तर मामले पर क्या कर रही है, और आज भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बहुत ही गैर जिम्मेदारी का उन्होंने मुजाहरा किया, उनको तब्दील भी नहीं किया जा रहा, इसकी हम तफसील जानेंगे। और तीसरी हम ये बात करेंगे कि अगर जहीर और दुआ ज़हरा अदालत में पेश नहीं होते तो क्या होगा, और अगर कोई एक पेश होता है एक पेश नहीं होता तो मामला क्या बनेगा। और चौथी सबसे अहम बात ये हम करने जा रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर्स एक ख़ास बयानिया है जिसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जहीर की फतह हो गई, दुआ की फतह हो गई और दोनों कामयाब हो गए, मेहदी अली काजमी को बर्बाद किया जा रहा है, और कुछ यूट्यूबर जो हैं वो झूठ का सहारा ले रहे हैं और उनको गुमराह कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, इसकी तमाम तर तफसील हमने आपको आज बतानी है। सबसे पहले मुर्तज़ा ये बताएँ कि आज मेहदी अली काजमी अदालत गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने दरख्वास्त वहां जमा करवा दी है, उस दरख्वास्त के अंदर क्या है और क्या जहीर अहमद बाहर जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान से? देखिए जी, आज जो मेहदी काजमी साहब अपीयर हुए कोर्ट में, उनके अपीयर होने का एक ही मकसद था, वो था लीगैलिटी, यानी कि लीगैलिटी थी, एक लीगल आईनी जो है वो ज़रूरत थी जिसके तहत उनको वहाँ जाना था, और आइन की ज़रूरत ये थी कि वो रिपोर्ट लें, उसकी कॉपी लें, जिस तरह की उन्होंने ली, एक एप्लीकेशन लिखें और उसमें अपना कंसर्न लिखें और वो गोशगुजार करें जज साहब के, और उनको कहें कि जी इन द ल्यू ऑफ, यानी कि इस एप्लीकेशन को, इस फाइंडिंग को, रिपोर्ट जो है मेडिकल बोर्ड के सामने रखें और इसको अब अरेस्ट कराएं जहीर को, क्योंकि इसने मेरी बच्ची को किडनैप किया हुआ है। तो चुनाचे उसी चीज़ को लेकर वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर पहुँच के एप्लीकेशन दी और उन्होंने कहा कि माई लॉर्ड, ये एप्लीकेशन है, ये मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है, मेरी बच्ची कमसिन साबित हो चुकी है उस बोर्ड की जानिब से, जो बोर्ड आपके अहकाम पर बना है सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर, ठीक है जी। तो मेरी बच्ची पुलिस को कहें कि वो बाजियाब कराए, उसने अपने तौर पे तो पुलिस ने कुछ करना नहीं है, जिस किस्म का उन्होंने रवैया और रविश अपना रखी है, सो बेहतर ये है कि आप अहकाम इनको सादिर करें तो ही इनके ऊपर असर होगा। तो चुनाचे वो एक लीगैलिटी थी जिसके लिए वहां पर गए और उन्होंने जाकर लिखा, लेकिन उसके अंदर एक गौरतलब चीज़ उन्होंने लिखी, वो लिखी कि आप इनका पाकिस्तान से बाहर जाना जो है उसके ऊपर कोई फौरी हुक्म सादिर करें। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं, एक चीज़ तो ये है लीगल और दूसरा है इलीगल। इल्लीगल तरीके से बाहर जाने के हवाले से तो वैसे ही ममानियत है, पाबंदी है और पूरी दुनिया के अंदर है, सो इल्लीगल तरीके से अब वो कोई क्या कर सकता है इसके हवाले से तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो ख़तरा या वो अभाम तो हमेशा से ही मौजूद है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन इसके हवाले से चुकन्ना रहना ज़रूरी है। लेकिन दूसरा रास्ता है लीगल, जो लीगल रास्ता है, अगर इनकेस वो दुआ ज़हरा को अपने साथ नहीं लेकर जाता तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, यही कहा गया है अदालत से, क्योंकि उसकी उम्र जो है वो 21-22 साल के करीब बताई जाती है जहीर की, कि वो फ्लाई करके पाकिस्तान से बाहर ना चले जाए, यहाँ पे अदालतें उसको ढूंढ रही हैं, सज़ा होनी है और पता लगे वो बाहर जाके बैठ गया, हमारे यहाँ तो किसी ने सज़ा से बचना हो पाकिस्तान से बाहर जाके बैठ जाए, वो मिडल ईस्ट के किसी भी कंट्री में बैठ जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, हमारा कोई ट्रीटी नहीं है, आप इंग्लैंड जाके बैठ जाए, हमारे मुल्क के आप साबिक वज़ीरे आज़म देख लें, आप इंग्लैंड जाके बैठे, कोई ट्रीटी ही नहीं है, किसी ट्रीटी कानून के तहत आपने लेके आना है, तो देयर इज़ नो लॉ। सो एक कहा गया उसके अंदर कि आप इसके हवाले से जो है वो तदारुक करें। सो एनी वेज टू कट इट शॉर्ट पॉइंट इज़ के अदालत को
पुलिस को ये इंस्ट्रक्ट करना है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बहुत जल्द पुलिस को इनएक्शन होना पड़ेगा अगर वो अभी तक नहीं हुई, जो मेरे अपने सोर्सेज से बात हुई है। अभी इसके हवाले से वर्किंग जारी है कि हमने लाहौर कैसे पहुंचना है और किसने किससे क्या बात करनी है, और मतलब उसको लाए जाने और उसको गिरफ्तार किए जाने के हवाले से, जहीर को अरेस्ट किए जाने के हवाले से इस वक्त वर्किंग जारी है। वो है। वर्किंग काफ़ी खुफिया हो रही है लाहौर या पंजाब पुलिस के साथ मिलकर हो रही है, जो मेरे सोर्सेज ये कहते हैं। अब बहुत सारे कंसर्न इसके अंदर हैं, वो ये हैं कि इसको कब अमल में लाया जाएगा और कैसे लाया जाएगा, और ये भी वर्किंग जारी है कि अगर उसने गिरफ्तारी नहीं देनी तो कितना अरसा इस चीज़ को स्ट्रेच किया जा सकता है, कितना अरसा इस चीज़ को खींचा जा सकता है। तो ये आज ज़ाहिर है वो एक लीगलिटी के पुलिस के रोल की बात करते हैं। पुलिस के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा तहफ़ुज़ात का इजहार करें, करना भी चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मीडिया से बातचीत की उसको बहुत ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाना कहा जा रहा है। क्यों इस तरह का बिहेवियर वो शो कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर यह कि कोशिश भी की जा रही है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तब्दील किया जाए, तब्दील भी नहीं किया जा रहा, इस मामले पर पुलिस कहां पर खड़ी है? पुलिस पार्टी है जी, मैं तो इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मतलब कि आप ये देखें कि इसको हम हठधर्मी कहेंगे पुलिस की, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहेंगे। जो रवैया इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपनाया हुआ है वो बेशर्मी है, मतलब ये बेशर्मी के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। आप ये देखिए कि उनको जज साहब ने कहा है, ऑर्डर जारी किया है कि आपने सी चलान, यानी जो पहले आपने इन्वेस्टिगेशन की हुई थी आपकी, वो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने उठा के बाहर फेंकी, उन्होंने कहा जी फारे गए आपकी इन्वेस्टिगेशन, जाएं दोबारा इन्वेस्टिगेट करें। आपने अदालत से अभी 3 दिन पहले जाकर टाइम लिया और आपने कहा कि मैं 7 तारीख को सारी फाइनल रिपोर्ट दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास गिनती के 1 दिन रह गया, ये निकल 6 तारीख है, 7 तारीख को आपको जमा करानी रिपोर्ट, और आप आज देख लें वो कुछ वहाँ पे सहाफ़ियों से बात कर रहे थे, कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं मिला, सहाफ़ियों से जो बात कर रहे थे वो उनकी बेसिकली वन लाइन था कि यार मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ, बस वो कह रहे थे मिट्टी पाओ, कुछ भी नहीं है, कोई मतलब मौजूद नहीं है, किसी ने गवाही नहीं दी, मतलब कि यार दिस, और जो असल काम था करने वाला वो कैमराज रिकॉर्ड ये सारा मैंने कल भी वीडियो में जिक्र किया, आप भी बड़ी बार कर चुके हैं, किसने करना था? ये तो आपको और मुझे पता ना कि कैमरे की बात होनी चाहिए, सीसीटीवी की होनी चाहिए, ड्राइवर की होनी चाहिए, कौन सी गाड़ी थी उसकी बात होनी चाहिए। इन सवालों का जवाब ही नहीं दिया उन्होंने, इनसे सवाल छोड़ देना, ये आपको और मुझे पता है, ये सहाफ़ियों को पता है, हम इन्वेस्टिगेटर नहीं है, ये उनको पता होना चाहिए कि इसके अलावा 25 और कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जाके उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है कि हम उनको बताएंगे जी आप ये करें आप वो करें। इसके हवाले से कोई रिपोर्ट नहीं है, और जो मेहती काजमी के वकील इन्वेस्टिगेशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि जी बताएं आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया अभी तक, वो भी नहीं उनको मिल पा रही। सो पुलिस और वो तब्दील भी नहीं हो पा रहे भाई, वो तब्दील भाई, बहुत गौरतलब बात है, जिब्रान नासिर ने 2 दफ़ा आईजी को लेटर लिखा और कहा कि जी आप इसको चेंज करें भाई, कोई भी एक पार्टी उसको कंसर्न अगर हो गया इन्वेस्टिगेटर से तो आप उस कंसर्न को एड्रेस करें, चले आप उसके ऊपर अपना मौकफ दें, लेकिन अगर आप नहीं दे रहे, देर समथिंग रॉन्ग, फिर वो अदालत को कहते हैं, अदालत कहती है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि वो बंदा भी ले के आ रहा है इन्वेस्टिगेटर जो है वो बच्ची को पंजाब से सिंध की तरफ, तो इसलिए हमें इसको अभी छेड़ना नहीं चाहिए। सो पुलिस का जो रोल है इस सारे के अंदर भाई, आपको प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। बहुत सारा मीडिया पीछे पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों की नज़रें इससे जुड़ी हुई हैं, बहुत सेंसिटिव मैटर है, किसी की बच्ची उसको मिल नहीं पा रही, तो जब इतनी हिद्दत और शिद्दत का मामला हो गया, इतना मीडिया आपके पीछे पड़ा हुआ है, और आप वहां पे किसी के बाप के ऊपर एहसान करते हुए वो पेश हो रहे हैं, जज साहब के कहने के ऊपर आ रहे हैं, आप उसका एटीट्यूड देखें, उस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, मतलब आप उसकी हरकतें देखें, उसकी स्टेटमेंट देखें, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आप उसका केस पर फोकस्ड होना देखें, आपको तो किसी सूरत भी समझ ही नहीं आती कि यार ये किस तरह फ्री एंड फेयर और पार्शल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये तो यूं लग रहा है कि आईजी साहब ने इसको खुद लगाया हुआ है कि इस केस को ख़राब करो जा। आईजी साहब खुद भी तब्दील हुए थे इस वाले से, प्रीवियस आईजी तब्दील हुए थे क्योंकि बच्ची बाजियाब नहीं हो पा रही थी, तो वो ज़ाहिर है उसकी खुन्नस हो सकता है निकाल रहे हो सकता है वो किसी पार्टी के साथ मिल गए हो सकता है कि उनका कोई और इंटरेस्ट हो सकता है उनके ऊपर कोई प्रेशर हो, कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो उनके ऊपर, हो सकता है किसी और किस्म का प्रेशर उनके ऊपर, सो देयर कुड बी मेनी थिंग्स, लेकिन इन सारी चीज़ों को पुलिस ने प्रूव करना है अपने एक्शन से। तो फिर जो लोग गुस्सा कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं भाई। पुलिस का काम है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करे, जो उसके सामने अहकाम आते हैं उसके ऊपर अमल करे, और वो अगर विजिलेंट हो तो उन ऑर्डर से पहले, मैंने ऐसे बहुत सारे पुलिस वालों को मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर बहुत सारे केसेस के अंदर, कि अदालती अहकाम में ना टाइम लगता होता है, ये भी खैर एक बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है, लेकिन टाइम लगता होता है, वो उस टाइम से पहले इकदाम कर लेते हैं और चीज़ें उन्होंने रेडी रखी होती है, वो ऑर्डर का वेट करें तो उसमें अमल कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। मैं ये नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कल भी इसका जिक्र किया था, मैंने कहा इस पर आपका भी कमेंट चाहिए, वो ये कि इसमें क्या हर्ज था अगर पुलिस दुआ ज़हरा को सिंध में रखती जब तक रिपोर्ट सामने ना आ जाती, वेट कर रही थी कुछ देर वहाँ पर, एक दिन का वेट था, क्यों वापस आ गए वो पंजाब भेज दिया? देखें
जब आप लेके आए ना पंजाब से, तो आप एक लीगल चैनल या एक लीगल रास्ते से गए, होम डिपार्टमेंट यानी कि सिंध के वजारत दाखिला को लिखा गया, उसने पंजाब के वजारत दाखिला को लिखा, उसने फिर पुलिस के चीफ को कहा, उसने कंसर्न DIG को कहा, और उसके बाद मुतल्लिका थाने तक बात कही, और इस तरह पुलिस पार्टी आई और उसने अरेस्ट किया, और यही गारंटी वहाँ पे दी गई कि हम जी इसी ही रास्ते से इसको वापस भेज देंगे, यानी कि वो अमानत के तौर पे पंजाब पुलिस से लेके आए और उन्होंने उनको वापस कर दिया। ये तो हमें समझ आता है लीगल रास्ता, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता यार कि ये लीगैलिटी आपको बड़ी याद आ जाती है जब आपका कोई इंटरेस्ट इस किस्म का हो कि आपने पार्टी बी जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। चलें ठीक है, आपका कोई ज़ाती इंटरेस्ट हो सकता है तो फिर उसको एडमिट कर लेना चाहिए। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहाँ पे मैंने कहा प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, जहाँ पे पहली तैयारी करके रखी जाती है, यानी कि सबको पता था, पूरी दुनिया को पता था कि भाई मंडे को मेडिकल रिपोर्ट जमा होनी है और लाइकली उसकी डिटेल सामने आ जानी है। एक दिन का वेट था, जो आपने सैटरडे को बच्ची को वापस भेजा है, भाई आप एक दिन उसको यहाँ पे मेहमान बना के रखते और आपने जो अब ऑर्डर्स लेने हैं उसके बाद आपने वापस जाना है, यानी कि अगर पुलिस चाहती तो इज नो अदर ओपिनियन। बहुत केसेस में ऑर्डर तो वे पुलिस चाहती है, पुलिस चाहती वाकई में पुलिस ने साफ मुहैया करना, तो बहुत दफा वो ऑर्डर दे वे भी जाती है। भाई क्यों नहीं जाते, जाते हैं क्यों नहीं जाते, ये तो डिपेंड करता है ना कि किसकी बच्ची, किसकी बच्ची अगवा हुई हुई है। बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही है, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं अगला बहुत ही अहम सवाल करना है वो ये कि अगर दुआ जहरा और जहीर पेश नहीं होते, उनकी पेशी नहीं होती, वो सामने नहीं आते। मैंने सवाल से कल भी कहा था कि खुदा ना खास्ता ये अगर कुछ सेंसिटिव मैयस लेते हैं, कुछ और करते हैं ऐसा वैसा, तब क्या सिनेरियो होगा, और इन केस अगर कोई एक पेश होता है एक पेश नहीं होता तो तब किस तरह से डील किया जाएगा इस मामले को? देखें इसके अंदर पेश किसको होना है, इसके अंदर बाजियाब कराना है बच्ची को, क्योंकि वो एज पर किडनैप्ड है, एज पर बोर्ड की रिपोर्ट वो माइनर है, यानी उससे चाइल्ड मैरिज हुई है, यानी कि उसकी स्टेटमेंट, उसका बयान, उसका कुछ भी अमल इज कंसिडर्ड एज नथिंग। वो इसलिए क्योंकि कानून हमारा ये वजह करता है कि कम से इनका कॉन्सेंट भी हो तो वो नलिफॉय हो जाता है। सो इसका मतलब दूसरा ये निकलता है कि उस बच्ची की बाजियाबी होनी है, यानी पुलिस ने उसको छुड़ाना है किसी के चुंगल से, जिस चुंगल में या जिसके पास वो मूवी है इस वक्त एज पर लॉ, उसका नाम है जहीर, जो उसका बना हुआ है मुबैना शौहर, ठीक है जी। अब जहीर ने किया है क्राइम, जो 21 साल का है, जिसने जो 21 साल का है और उसने किया है क्राइम, तो जिस शख्स ने क्राइम किया, ये तो नहीं हो सकता कि यार मैं किसी के पास जाऊं और बाजियाब करा लूं किसी को, और जिसने क्राइम किया उसको मैं वहां पे छोड़ के आ जाऊं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसको गिरफ्तार करना होगा। अब सवाल ये है कि आपने जो पूछा कि ये दोनों पेश हो जाएं या दोनों उनकी तहवील में आ जाए या कोई एक आ जाए, तो इसके ऊपर कंक्लूजन मेरे आप इस आंसर से, हमारे व्यूअर्स इस आंसर से ड्रॉ कर लें कि अदालत जब किसी को तलब करती है तो उसको आना होता है एज पर आइन, एज पर लॉ। अगर वो नहीं आता तो इसकी स्टेजेस हैं, जिन स्टेजेस से ये मामला पहुंचता है इश्तिहारी मफरूर तक। पहली इसकी स्टेज ये है कि अदालत उसके बेलेबल जारी कर सकती है अरेस्ट वारंट, लेकिन अगर वो ऐसे केस में है जैसा कि ये केस है तो वो नॉन बेलेबल भी जारी कर सकती है। अब वो नॉन बेलेबल में भी अगर ना आए तो उसके बाद मजीद समन लिए जाते हैं और उसको किसी भी हिदायत के तहत कहा जाता है आए। अगर वो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट के बावजूद भी हाजिर नहीं होता या पुलिस की तहवील में नहीं आता, पकड़ा नहीं जाता, तो उसके बाद उसको मफरूर की कार्रवाई कहा जाता है। यानी मफरूर की कार्रवाई से मुराद ये है कि उसके लिए अखबारों में इश्तिहार दिया जाता है, उसके बाद पुराने तरीके होते थे कि ढोल बजाया जाता था उसके मोहल्ले में, इर्द गिर्द जाके मनादी कराई जाती थी, इसके हरा चस्पा किए जाते थे, मस्जिदों के बाहर लगाए जाते इश्तहार, जहाँ बैठक होती थी वहाँ लगाए जाते थे। ये SOP है हमारे मुल्क के आइन का। उसके बाद जब वो भी ना होता फिर इश्तहारी डिक्लेयर दिया जाता है। अच्छा, अब इश्तहारी डिक्लेयर हो गया, अब क्या करें, मतलब कहीं पर भी जाएगा पकड़ा जाएगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी CR के अंदर वो आ गया। अब अगर वो भी नहीं होता फिर क्या है, अगर वो नहीं होता तो पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो उसके और उससे जुड़े जितने भी लोग हैं, उन लोगों के जितने भी असासे हैं, कोई अकाउंट्स हैं या एनीथिंग है, उसको मुंजमित कर सकती है। यानी जहीर के, जहीर की वालदा के, जहीर के भाइयों के, जहीर की भाभी के, जिस जिस के भी बैंक अकाउंट्स हैं वो उनको फ्रीज कर सकती है अदालत। वो उनके अगर ऊपर उनके पास कोई पैसा है, कोई जायदाद है, वो उसको कॉन्फिस्केट कर सकती है अनटिल दे अपीयर। सो उनको अपीयर होना होगा, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। देखना यह है कि वो कितना अरसा इसके गैर कानूनी तरीके से भाग सकते हैं। अब कानूनी तरीका भी है कि यार कानूनी तरीके से वो किस तरह पीछे हट सकते हैं ऐसे, दैट इज़ वेरी सिंपल कि वो एक एप्लीकेशन लिखें, एप्लीकेशन सबमिट कराएं अदालत के अंदर और कहें कि जी जो ये मेडिकल बोर्ड बनाया गया ये मेडिकल बोर्ड ठीक नहीं है, इसके अंदर ये मसला है, इस रिपोर्ट के अंदर वो मसला है, जिस तरह एतराज़ उठाया था जिब्रान नासिर ने। अच्छा, अब जिब्रान नासिर का एतराज़, आपका एतराज़ जेन्युइन
होना चाहिए तो आपको डेफिनेटली उसके ऊपर रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर आपका एतराज़ जेन्युइन नहीं है तो उसको उठा के फेंक देते हैं, उसमें आपको ज़्यादा एक हफ्ते का टाइम और मिल जाता है। तो वो ऐसे ही मेरा ख्याल है कि मुमकिन है कोशिश करें वो इसकी जो लीगैलिटी है उसको चैलेंज करेंगे, और जो प्ली जो मैं सुन रहा था कुछ जगहों पर वो प्ली ये अपनाएंगे कि जी इस अदालत को इख्तियार ही नहीं है कि वो ये मेडिकल बोर्ड बना सके। बिल्कुल, मैंने भी कल इस तरह की ही बात किया, ये बिल्कुल इस तरह किया जा सकता है। मैं अच्छा एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आना है मैंने, हाँ जी, और कुछ लोग भी ये कह रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, ये क्या मजाक क्या चल रहा है, ये जो कुछ यूट्यूबर्स हैं कुछ मॉडल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी जहीर और दुआ फतह हो गई है, वो जीत गए हैं, उन्होंने सारे झंडे गाड़ दिए हैं, उनका जो कहाँ है ना वो चिट्टा साबित हो गया है, और काजमी साहब बर्बाद हो गए हैं, कुछ यूट्यूबर्स काजमी साहब को गुमराह कर रहे हैं, मज़ीद बर्बाद कर रहे हैं और उनको फंसाई जा रहे हैं। कौन लोग हैं ये और ये क्या करना चाह रहे हैं? यार अगर तो आपका इशारा उन लोगों की जानिब है जो कुरान सर पर उठा के पूरी दुनिया के आगे कसम खाते हैं, और आपका इशारा उन लोगों की जानिब है जो ये कहते हैं कि उसने किया गलत लेकिन ये उसका हक था, तो भाई मुनाफिक जो होता है ना वो मैं क्या उसके बारे में बात करूँगा, आप मुझे बताएं। मतलब कि मैं, मेरे पास तो शायद अल्फाज नहीं है, और वो कोई एक नहीं है, वो दो चार पांच लोगों के गैंग हैं जो जुड़े हुए हैं इसके साथ, और मेरा उनका कहाँ चिट्टा है यार, उनका चिट्टा रहेगा। मेरा सेंटिमेंट उनके साथ इसलिए है कि यार वो स्ट्रगलिंग हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो किसी तरह जो है वो ज़्यादा व्यूज़ कमा लें, या वो किसी तरह ऐसी लाइन अपना लें जिस लाइन से जो है वो एक ऐसी अब नॉर्मेलिटी करेंगे कि लोग उनको सुने। करना चाहिए, करें, ठीक है करें, लेकिन डिटाई की भी हद होती है कि वो यार मतलब देखें, बच्चा बच्चा समझ रहा है मामला क्या चल रहा है, लेकिन उसका बाप कह रहा है मैं बता रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। आपको याद होगा मैंने वीडियो की, उस वीडियो में मैंने ये बताया कि आप भी यहाँ मैं भी यहाँ, आप देखिएगा कि जिन्होंने ये जिन यूट्यूबर ने कुरान उठा के किया वो दोबारा ये करेंगे, और खैर वो बात पुरानी होगी। और कुछ लोगों ने आपको कहा था कि नहीं डार साहब वो देखे ना वो उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है, वैसा नहीं करेगी, आप प्लीज मामले को छोड़ दें। आप यकीन करें कि मैं सुन रहा था कंटेंट, अब सुनना पड़ता है अनफॉर्चुनेट है बड़ा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि जी आप रिबटल दें इसके ऊपर बात करें, मैं ज़्यादा करना नहीं चाहता। अब वो एक साहब फरमा रहे थे उस गुफ्तगू में सुन रहा था कि मेरा ख्याल है कि मेडिकल बोर्ड ने एक नुक्ता गलत लिख दिया है, वो टाइपो एरर हो गया उनसे। रियली ये मैं सुन रहा था, वो कहते हैं मैं मुझे लगता है नुक्ता उन्होंने गलत लिख दिया, ये उनसे टाइपो एरर हो गया, वो उन्होंने यहाँ पे जो है वो 15 से 16 नहीं लिखना था, 16 से 17 लिखना था कॉन्क्लूजन के अंदर। अच्छा। तो ये टाइपो एरर है। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये टाइपो एरर के ऊपर जिंदगियों के फैसले होने लग गए हैं लोगों के, यानी कि आप किसी को पागल बना रहे हैं, मामू बना रहे हैं। करेक्शन आ जाए अभी, हो सकता है करेक्शन आ जाए, अपडेटेड फाइनल फाइनल मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है ना। तो भाई यार ये और मैंने कल वीडियो में बात की थी, आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था अपनी मनपसंद जो चीज़ होगी ना उसको उसमें उठाया जाएगा उस मेडिकल बोर्ड में रिपोर्ट में, और कहा जाएगा कि या तो ये मान लें या ये जो बोर्ड के अंदर लोग बैठे हैं ना ये 10-12 लोग वो सारे तीन नुक्ते हैं, उन तीन नुक्तों में एक यानी कि वो जो मुआयना करें वो कहते हैं जी 13 से 15 साल है, एक और मुआयना टीम है क्योंकि 11 लोगों का बोर्ड था, दूसरी वो कहती है कि जी गालिबन 15 से 16 साल है, और तीसरी कहती है 16 से 17 साल है, ये कहते नहीं जिसने 16 से 17 साल का असल नुकता ये बाकी गलत है। ठीक है भाई आप देखें कंक्लूजन बोर्ड क्या दे रहा है, मतलब कि मान लेना यार इसमें आपका जाती क्या इंटरेस्ट है, मतलब आपको एतराज़ होना चाहिए इस रिपोर्ट के ऊपर, वो आप फाइल करें। मेहदी काजमी को एतराज़ था, उनके वकील को एतराज़ था इस बोर्ड के ऊपर, वो उन्होंने फाइल किया और हमने उसको मेरिट के ऊपर डिस्कस किया और उसको क्रिटिसाइज़ किया। आप मेरिट के ऊपर बोर्ड को क्रिटिसाइज़ करें आए ना, ज़रा आप बोर्ड के ऊपर ज़रा उंगली उठाएं। अभी आप उंगली उठा रहे हैं क्यों? क्योंकि फैसला आपके अगेंस्ट आ गया, या आपने पहले क्यों नहीं उठाई उंगली? अब कहते हैं जी इख्तियार नहीं था अदालत को ये बोर्ड बनाने का। भाई आपने तय करना है सुप्रीम कोर्ट जाने और वो मजिस्ट्रेट जाने जिसने काम किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी अपने शॉर्ट ऑर्डर के अंदर, जो छोटा सा पैराग्राफ आया था 5-6 लाइनों का, उसके अंदर लिखा हुआ था कि कंसर्न आप जगह पर जाइए, और उसके अंदर लिखा हुआ था कि आप कंसर्न जगह पर जाएं और जाने के बाद आप मेडिकल बोर्ड फॉर्मेशन की एप्लीकेशन दीजिए। तो आप जाएं सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करें, कोई चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट वाले मामले को या फैसले को, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू फाइल कर सकते हैं जिसकी रिव्यू पिटिशन हो। सो वो यूट्यूबर्स ने इसके अलावा क्या मंजन बेचना है? कुछ तो बेचना है ना उन्होंने, लोग कहें वाह कोई नई चीज़ आ गई। सो इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे मैं बैठा सुन रहा था और मैं जानना चाह रहा था कि यार क्या ये लॉजिकल बात मैंने सवाल करना नहीं था, मेरी मजबूरी है। लॉजिकल क्या लॉजिक निकालेंगे इसके अंदर? वो लॉजिक भी तो निकलना चाहिए ना कि यार समझ आए अकल के अंदर। वो कहते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है, बस वो सही है। वो कह रहे हैं मानते हैं उसने गलत किया है लेकिन उसने ठीक किया, ये उसने गलत किया लेकिन उसने ठीक किया, ठीक किया, और वो उसके ऊपर डट गए हैं। और वो कहते हैं मेहदी काजमी विलन है, बच्ची की खुशियों का दुश्मन है बाप। यार एक सवाल है, छोड़ें वो 15 की है 16 की है 17 की है, छोड़ देते हैं इस बात को, हम मानते हैं जी वो 18 साल की है, तो क्या 18 साल में इस तरह घर छोड़ के
इस तरह माँ बाप को रुसवा करके आप कौन सी खुशियाँ जो समेटना चाह रहे हैं? आप एक अपनी मोहब्बत की खातिर करोड़ों मोहब्बतें दिल तोड़ रहे हैं, आप नफ़रतें पैदा कर रहे हैं, आप ये अचीवमेंट है? इज दिस अचीवमेंट? और ये लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, ऑफकोर्स ये कह रहे हैं जी उसका शरई हक था। भाई मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, अब इस बहस को छोड़िए। और जितने लोग यहाँ पर बैठे ये मंजन बेच रहे हैं, कुछ को मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ और मैं जानता हूँ वो शरीयत पे कितना अमल कर चुके हैं, ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। खैर इस बात को छोड़े, खैर अगर सजाएं होने शुरू होंगी बहुत लोगों की जद में आने वाली हैं, सजाओं की जद में। असल प्रॉब्लम ये है, ये आखिरी बात करते हैं, गिव मी योर फाइनल टेक के व्हाट्स योर कंक्लूजन अबाउट कंक्लूजन। भाई मेरा ये है कंक्लूजन, ये नाइंसाफी हुई है मेहदी कादमी साहब के साथ, उनकी बच्ची ना समझ है। हम ये चलो मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि जी किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो रही थी, किसी गैंग ने उनको अगवा नहीं किया था, लेकिन जो कुछ हुआ उस बच्ची के साथ गलत हुआ, वो ना समझ जाए, वो इस काबिल नहीं है कि वो फैसला कर सके। अगर बच्चा उठे और कहे कि जी आपके बच्चे मेरे बच्चे, हम उठे और कहे जी हमने आग को पकड़ना है, हम कहें कि नहीं ये समझदार है, ये बालिग हो गया, इसको पकड़ने दो, पकड़ने दोगे? कभी पकड़ने देंगे ना? तो कहने का मकसद ये है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, और गलत के झूठ के कोई पैर नहीं होते, इंसाफ होना होगा। एक अदालत यहाँ पे है, एक अदालत अवाम की और एक अदालत ऊपर की भी लगी हुई है। बिल्कुल ठीक है। खैर कोशिश करेंगे कि साहब मामले के हवाले से, हम केस के हवाले से आपको इस तरह ही अपडेट रखें। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।